सो हेलो गाइज, कैसे हो? आई होप आप सभी मस्त होंगे। सो गाइज, आज के वीडियो में सबके लिए बात करने वाला हूँ वीवो Y01 मोबाइल के बारे में। इसमें आपको मैं बताऊंगा कि आप इसमें स्मार्ट कॉल सेटिंग को यूज कैसे करेंगे। जी सो, अगर आप चाहते कि आप इस मोबाइल में किसी भी कॉल को ऑटोमेटिक उसको रिसीव करना था एकदम सिंपल तरीके से कर सकते हैं, तो कैसे करना होगा चलिए वीडियो में बता देता हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। सो गाइस, मैं बता दूँ, जिसमें आपके मोबाइल में अगर एंड्रॉयड 12 का अपडेट तो इसमें नहीं मिलेगा, लेकिन उसको आप फिर भी कर सकते हैं। उसको करने के लिए आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा, तो मैं चलिए इस एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेता हूँ। सो गाइस, यहाँ से मैं आ जाता हूँ सबसे पहले अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में। तो सो गाइस, मैं आ गया हूँ प्ले स्टोर में। प्ले स्टोर में आपको यहाँ पर सर्च करना होगा यहाँ पर राइट वे आंसर। तब यहाँ पर जैसे ही सर्च करेंगे तो आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। इंटरफेस आने के बाद इसको मैंने पहले से ऑलरेडी डाउनलोड करके रख लिया है। अब आपको इस पर राइट टू आंसर पर आपको क्लिक कर देना है। अब इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर अलाउ राइट टू आंसर टू मेक एंड मैनेज फोन कॉल्स देगा दिखाई देगा आपको, तो उस पर आपको उसको अलाउ कर देना है। अब इस पर को आप अलाउ करेंगे तो यहाँ पर राइट टू आंसर का एक ऑप्शन मिलता है, तो यहाँ पर देखते हैं आंसरिंग कॉल्स यहाँ पर ये इनेबल है। अब यहाँ पर लिखा हुआ आंसर बाय होल्डिंग योर फोन टू योर ईयर। अब अपने पास को अपने मोबाइल को आंसर मतलब जैसे आपके मोबाइल पर कोई भी कॉल करता है तो अपने मोबाइल को अपने ईयर के पास ले जाएंगे, यानी कि कान के पास ले जाएंगे, तो ऑटोमेटिक उस कॉल को यहाँ पर रिसीव कर लेता है। तो अब चाहते हैं आप किसी भी एंगल में ले जाना, जैसे कैसे भी ले जाए तो अपने कान के पास उस मोबाइल को, तो यहाँ पर कर सकते हो। तो इसको आपको यहाँ पर इसको इनेबल करना होगा आंसर एट एनी एंगल। यहाँ से किसी भी एंगल से ले जाएंगे तो उसको आप ऑटोमेटिक यहाँ से रिसीव कर सकते हैं कॉल को। फिर आपको यहाँ पर डिसलाइनिंग कॉल्स का भी मिलता है। यहाँ पर डिसलाइनिंग कॉल का मतलब था कि इसका मतलब होता है अगर आप इसको इनेबल कर लेंगे तो आपको ऑटो एट पर सॉरी जो लिखा हुआ आंसर एट एनी एंगल ये ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगा। फिर इसमें आपको मिलता है डिसलाइन बाय पुटिंग योर फोन डाउन स्क्रीन फर्स्ट। अगर आपका स्क्रीन फर्स्ट टाइम मतलब डाउन होगा तो आप अपने कांच के पास से मोबाइल को हटाएंगे तो उस कॉल को ऑटोमेटिक यहाँ से डिस्क्लीन कर देता है, यानी कि उस कॉल को ऑटोमेटिक कट कर देता है। फिर स्क्रीन जो हमें मिलता है अदर सेटिंग्स के बारे में। अदर सेटिंग में अगर चाहते हैं कि आपका मोबाइल में जब भी कोई कॉल करे तो यहाँ पर आपका मोबाइल जो बीप हो तो आप यहाँ से उसको इनेबल कर देंगे, तो आपका मोबाइल पर जब भी कोई कॉल करेगा तो आपका मोबाइल सबसे पहले बीप होगा, फिर आपका मोबाइल पर रिंगटोन बजेगा। फिर स्क्रीन जो हमें मिलता है वाइब्रेट ऑन इनकमिंग कॉल्स। अगर आप इसको ऑन कर लेंगे तो आपके मोबाइल पर जब भी कोई कॉल करेगा तो आपका मोबाइल जो है वाइब्रेट भी होगा, तो इसको भी इनेबल अगर करना चाहेंगे तो सिंपल तरीके से कर सकते हैं। तो मैंने फिलहाल इन सभी को यहाँ से रिसीव कर लिया हूँ। तो ऐसे ही एकदम सिंपल तरीके से मैं ऑटोमेटिक कॉल को यानी कि स्मार्ट कॉल सेटिंग को यूज कर सकते हैं एंड इसको चला भी सकते हैं। तो सो गाइस, आज की वीडियो बस इतना ही। उम्मीद कर रहा हूँ वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई होगी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो भी कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।